ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है भाई। आपने देखा होगा जो बच्चा स्कूल में एग्जाम देकर के आता है और अगर उसको पता है कि मामला जमा नहीं है तो घर आके ही शुरू कर देता है, पानी नहीं था, बेंच अच्छी नहीं थी, पेन बीच बीच में चलती नहीं थी और पेपर भी सामने पड़े देर से दे दिया और जो आंसर पत्र था उसका कागज भी ठीक नहीं था, वो शुरू कर देता है। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा ऐसे कुछ चतुर बच्चे होते हैं, वो माँ बाप को पहले दिन समझा देते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि भाई तुम लिख कर के क्या आए, नहीं बताते। और रिजल्ट आता है तो माँ बाप भी मान लेते हैं, हाँ हाँ बच्चा सही कहता था, पेन ठीक नहीं थी। इन्होंने भी अभी से माहौल बना दिया है ईवीएम में गड़बड़ है। अब बेचारी वोट डालने वाली मशीन भी क्या करे, देश की जनता जब अपने चौकीदार पर इतना प्रेम बरसा रही है तो बेचारी उस मशीन को भी गाली खानी पड़ रही है, उसके नसीब में भी गाली आ रही है। साथियों, ईवीएम पर विपक्षियों का ये रोना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये लोग इन महामिलावटियों को वोट देकर अपना वोट बेकार नहीं जाने दे रहे। और जो लोग मिलीजुली सरकारों में खुद को प्रधानमंत्री देख लेते थे, दिन में 10 बार चेहरा शीशे में देखते थे और शीशे पर लिख करके रखते थे पीएम और मुसोते थे, हाँ ये मेरे लिए लिखा हुआ है, ये इनके सपने चूर हो गए, वो ज्यादा उछल उछल कर करके, अरे जो अपनी विधानसभा की चुनाव बचा पाने की ताकत नहीं रखते हैं वो अब ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। लोग वोट कर रहे हैं देश के विकास के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए जो कांग्रेस ने अपने इतने वर्षों के शासन में पैदा की है। साथियों, दिल्ली में आपने मजबूत सरकार बनाई तभी आज नक्सलवाद माओवाद पर हम इतना काबू पा सके हैं। झारखंड में भी आप इसका अनुभव कर रहे हैं कि पहले के जिन इलाकों में दिन ढलने के बाद लोग घर से निकलने से डरते थे वहां अब स्थितियां तेजी से बदल रही है। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में बहुत कमी आई है। इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी नौजवानों में भी एक विश्वास जगा है, एक उत्साह जगा है। वो रिकॉर्ड संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़ करके देश के विकास के लिए मुख्य धारा में आना तेज गति से शुरू हुआ है। जो लोग दिल्ली में बैठ करके अंदरूनी हालात पर दुनिया भर का ज्ञान परोसते रहते हैं वो जरा गांव देहात और जंगलों में हो रहे इस परिवर्तन को देखना भी नहीं चाहते। साथियों, आज भारत ही नहीं दुनिया भर के सामने एक और बड़ी चुनौती है,
आतंकवाद। आपने दो दिन पहले ही देखा कि किस तरह ईस्टर के पवित्र दिन हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आतंकवादियों ने किस तरह चर्च और दूसरी प्रमुख जगहों पर बम धमाके किए। जो दिन भगवान यीशु के संदेश की याद दिलाता है, जो दिन मानवता की सेवा का प्रतीक है, उस दिन आतंकियों ने सैकड़ों लोगों को जो भगवान यीशु की प्रार्थना में लगे हुए थे उनको उनकी जान ले ली। 2014 से पहले भारत भी तो इसी स्थिति से गुजरता था। पाकिस्तान आतंकी भेजता था, आतंकी यहां पर हमले करते थे और जो कांग्रेस की सरकार थी वो रोना शुरू कर देती थी, रोते हुए डर डर करके। क्या डर डर करके आतंकवाद का मुकाबला हो सकता है? क्या डर डर करके आतंकवाद से लड़ा जा सकता है? क्या साथियों, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब यही आपके चौकीदार की सरकार ने किया है। हमने घर में घुसकर आतंकियों को मारा है, आतंक के सरपरस्तों को साफ कर दिया है। आज हर आतंकी के मन में ये डर है कि अगर उसने कोई गलती की तो ये मोदी है, उसे पाताल से भी खोजकर ठिकाने लगाएगा, भारत के खिलाफ किए गए हर गुनाह की सजा उसको पानी पड़ेगी। साथियों, कोई भी भारतीय जहां कहीं भी संकट में हो, मुश्किल में हो, हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। वो चर्च में जाता है, वो मस्जिद में जाता है, वो गुरुद्वारे में जाता है, वो मंदिर में जाता है, हमारे लिए ये कोई मायना नहीं रखता है। बस वो हिंदुस्तानी है, बस हमारा है और उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। हम भारतीय की सेवा हमारा कर्तव्य है, यही मान के काम करते हैं। बिना पंथ देखे, बिना भेदभाव किए उसकी मुश्किलें कम करना, उसका जीवन आसान बनाना, यही हमारी प्राथमिकता है। आपको मालूम होगा इराक में हमारी केरल की और साउथ इंडिया के कुछ राज्यों की हमारी कुछ बेटियां इराक में नर्सिंग का काम करती थी, 46 बेटियां आतंकवादियों के ने उनको पकड़ लिया और जीवन और मृत्यु के दिन काट रहे थे। उनको बचाने के लिए कहीं चर्च में प्रार्थना हो रही थी, कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी, कहीं नमाज हो रही थी, सबको लग रहा था कि हमारी बेटियों का क्या होगा। लेकिन भाइयों बहनों, वो आपकी बेटी ये चौकीदार की भी बेटी है। हमने ये नहीं देखा कि किस बेटी के भाल पर कुमकुम तिलक है, हमने कभी ये भी नहीं देखा
किस बेटी के उस गले में रुद्राक्ष की माला है, हमने कभी ये भी नहीं देखा कि वो किस मंदिर में जाती है, चर्च में जाती है, मस्जिद में जाती है। हमारे लिए वो मेरे देश की बेटी है। हम उन 46 बेटियों को वापस लेकर के आ गए, उन्हें छुड़ा करके उनके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। भाइयों, हमने दिन रात एक कर दिया था। अफगानिस्तान में फादर एलेक्सिस प्रेम, उसको आतंकवादियों ने पकड़ लिया। महीनों तक आतंकवादियों ने अपने पास रखा। उसी प्रकार से फादर टॉम, उसको इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने पकड़ लिया। यहां पर सभी चर्च लगातार मुझे मिलने आते थे कि फादर प्रेम को बचाइए, फादर टॉम को बचाइए। मैंने कहा ये चौकीदार है, मैं मेरे देश के इन दो साथियों को जिंदा वापिस लाने के लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और आतंकवादियों के चुंगाल से ये दोनों, फादर प्रेम और फादर टॉम, दोनों को बारी बारी से ला करके आज उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया। भाइयों, अफगानिस्तान में चर्च में काम करने वाली पश्चिम बंगाल की हमारी एक बेटी जुडिथ डिसूजा, अफगानिस्तान में आतंकवादी उसको किडनैप करके ले गया। बहुत बड़ा संकट था, पता नहीं बेटी के साथ क्या होता। हम धर्म जाति के आधार पर नहीं सोचते हैं। वो बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, झारखंड से है, बिहार से, ये नहीं सोचते हैं। हमारे लिए तो वो मेरे देश की बेटी है, और उसको भी दिन रात मेहनत करके उस बिटिया को भी जिंदा लौट करके ले आए और कलकत्ता में उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया। भाइयों बहनों, जब इस फौलादी सरकार की आप वाहवाही करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों का आतंक को लेकर के क्या रवैया है। ये लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हमारे वीरों पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ, तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में आतंकियों पर हमला हुआ। वो हमारे देश के वीर जवानों की नियत पर, उनके पराक्रम पर शक कर रहे हैं। मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या सेना की बात पर आपको भरोसा है? सेना के पराक्रम पर भरोसा है? मेरे देश के जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को समझ भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन राजनीति में खपे हुए खेलकूद करने वाले कांग्रेस के लोगों के दिमाग में देश की सेना के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। बताओ भाइयों बहनों, इन आदिवासी लोगों से, झारखंड से जो बेटे बेटी फौज में गए हैं, उनकी नियत पर शक किया जा सकता है क्या? उनकी बहादुरी पर शक किया जा सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस आपका, देश के हर उस परिवार का अपमान कर रही है जिसका कोई बेटा या बेटी सेना में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, किसी अन्य अर्धसैनिक बल में है, पुलिस में है। इन लोगों के दिल में क्या चलता है, ये आपको किस नजर से देखते हैं, ये भी मैं जरा आपको बताना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं है यहां के अखबारों ने इस बात को छापा है कि नहीं छापा है, लेकिन जब से मैंने बात सुनी और पढ़ी, और मैंने उनका, उनके खुद के मुंह से सुना है, यानी इधर उधर की बात नहीं है,
कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहां के मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री के पिताजी कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, देवगौड़ा जी, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका बेटा जो मुख्यमंत्री है, उसने क्या बयान दिया। और मैं हैरान हूं, टीवी वाले चर्चा नहीं कर रहे हैं, अखबार वाले छाप नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाले मुंह नहीं खोल रहे हैं, मैं हैरान हूं। उन्होंने क्या कहा, मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, आप जीवन भर इस कांग्रेस का मुंह तक नहीं देखोगे, ऐसी बात वो मुख्यमंत्री बोले हैं। उनका कहना है, ये उनके शब्द हैं, उनका कहना है, फौज में तो वो ही नौजवान जाते हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिन्हें अपने भूख मिटानी होती है, पेट भरना होता है, इसलिए वो सेना में जाता है। डूब मरो, डूब मरो, ऐसी सोच रखने वाले डूब मरो। क्या मेरे देश का आदिवासी, मेरे देश का गरीब अपने बच्चों को इसलिए सेना में, सुरक्षा बल में शामिल होने के लिए भेजता है? क्या इसलिए कि वो भिखारी है? क्या इसलिए कि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है? ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? क्या देश के लिए मर मिटने वाले मेरे वीर बच्चे इसलिए सेना में जाते हैं? क्या पुलवामा में जो शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत विजय सोरेंग इसलिए अपना परिवार छोड़कर गए थे कि उन्हें दो वक्त का खाना नहीं मिलता था? क्या भाषा बोल रहे हो? क्यों शहीदों का अपमान करते हो? क्यों देश की सेना को डिमोरलाइज करते हो? कांग्रेस और उसके साथियों, मेरे देश का वीर सपूत दुश्मन को गोली मारने और जरूरत पड़े तो सीना आगे करके गोली खाने के लिए घर से मां के पैर छू करके निकलता है। उसकी भावनाओं का इतना बड़ा अपमान, भाइयों और बहनों, देश के वीरों को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के इस रवैये ने भारत का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से जब जब वो सरकार में आती है, वैसे ही हिंसा फैलाने वालों, आतंकवादियों और नक्सलियों का हौसला बढ़ जाता है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस देश की सेवा के लिए सरकार नहीं चलाना चाहती, वो सिर्फ एक परिवार के लिए सोचती है और उसी को समर्पित है। बाकी लोग उसके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। आजादी के बाद से लेकर आज तक का इतिहास देखें तो कांग्रेस अगस्त से ये तस्वीरें मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक एक उदाहरण देकर कहा कि चौकीदार ने आपकी सीमाओं की हिफाजत की है। उन्होंने साफ तौर पर गिनाया अपनी उपलब्धियों को और आदिवासियों से अपील की कि देश की मजबूती के लिए वो बीजेपी को वोट करें। अब आपको लिए चलते हैं अमित शाह की सभा में। अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। बिहार के लिए क्या हुआ, हमें तो शासन में अभी अभी जुम्मा जुम्मा 5 साल हुए जी। आप 55 साल शासन किए, 4 पीढ़ी तक शासन किए, किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? हमारे 5 साल का हिसाब मांगते हो?
पहले आपकी पांच पीढ़ी का हिसाब जरा बिहार की जनता को दे। आपके कामकाज, आपकी पूजा पद्धति, आपकी परंपराओं पर कांग्रेस ने जानबूझकर के हमला होने दिया है, इसलिए मैं आपको कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क करना चाहता हूं। आप आश्वस्त रहिए, जब तक मोदी है ये आपका चौकीदार है, जब तक मोदी है तब तक आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके अधिकार, इससे कोई पंजा हाथ नहीं लगा पाएगा। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक कैसे आपके अधिकारों को नजरअंदाज किया है, आपके साथ अन्याय किया है, और कैसे आपके इस चौकीदार ने आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ही थी जिसके समय में जंगलों में मौजूद संपदा पर, खनिजों पर पहला हक उद्योगों का माना जाता था, बड़ी बड़ी कंपनियों का माना जाता था। यहाँ लोहरदगा में भी तो बॉक्साइट की इतनी खदानें हैं, कांग्रेस ने इन्हें भी माफियाओं के हवाले कर दिया था। साथियों, आदिवासी अपना जंगल देता था, जमीन देता था, और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। जब मेरे सामने ये मामला आया तो मैंने फौरन अधिकारियों को कहा कि कांग्रेस का यह अन्याय नहीं चलेगा। मैंने तय किया कि आदिवासी इलाकों में जो खनिज निकलता है उसका एक हिस्सा वहीं के आदिवासी विस्तारों के विकास में लगाना कंपलसरी होगा, फर्जियात होगा। इसके लिए चौकीदार ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया, कानूनी व्यवस्था की। साथियों, इतने कम समय में इस योजना से अकेले झारखंड जैसे छोटे राज्य को आदिवासी इलाकों के कल्याण और विस्तार और विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपया मिला है, 4,000 करोड़, वरना पहले ये पैसे उद्योगकारों के जेब में जाते थे। इसी पैसे से आदिवासी क्षेत्रों में रास्ते बन रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान बन रहे हैं। आपके इस चौकीदार के नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे। और ये सब तो ठीक है भैया, काम होते रहते हैं, गरीबों की डिमांड आती है, सरकार करती है, रोड बनाती है, रेल बनाती है, ब्रिज बनाती है, माँ गंगा पर पुल बना देती है, किसानों की धान और गेहूं की खरीदी कर देती है, घर में बिजली पहुंचाती है, शौचालय पहुंचाती है, गैस पहुंचाती है, घड़ी दे देती है, बीमारी में दवाई भी देती। मगर मोदी जी ने सबसे बड़ा भी काम किया ना, तो इस देश को सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री। 1990 से कांग्रेस की सरकार जब जब चली पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जवानों की सर काट कर ली, उसको अपनी सीमा में जाकर अपमानित करने का काम किया।
मेरे जैसे कार्यकर्ता आज भी नहीं भूल सकते भाई हेमराज का सर कैसे काट कर ले गए थे फुटबॉल की भांति उसको पारित किया और मौनी बाबा मनमोहन सिंह चुपचाप उनके मुंह से उप नहीं निकल ये वाजपेयी की पॉलिटिक्स सर जो नरेंद्र मोदी सरकार आई अभी अभी पुलवामा के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर अपने 40 जवान मौत के घाट उतार दिए 40 जवान।